झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में गत माहाई बाढ़ से छोटी काली सिंध नदी पर स्थित रावतपुरा पुलिया की रिपट पानी में बह गई थी, जिसका मरम्मत ग्रामीणों ने ही कर दी। गौरतलब है कि छोटी काली सिंध नदी पर बनी ये पुलिया गत माह नदी के उफान से टूट गई थी, जिसे रावतपुरा गांव का संपर्क चौमहला से कट गया था। इस पुलिया की टूटने से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण तथा स्कूल के बच्चे कस्बे में आने जाने के लिए रेलवे पुलिया का सहारा ले रहे हैं, जहां हर समय मौत का खतरा बना रहता है। प्रशासन द्वारा एक माह बीत जाने पर भी ध्यान नहीं देने पर ग्रामीण अपनी परेशानी स्वयं दूर करने में जुट गए हैं। रावतपुरा गांव के लोगों ने गांव में वाशिंदों से सहयोग राशि एकत्र कर शुक्रवार को पुलिया की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर पुलिया ठीक करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस प्रयास की सबौर प्रशंसा हो रही है। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता को बताया कि पुलिया टूटते ही उन्होंने कई जनप्रतिनिधि, कई अधिकारी, कई नेताओं से इस पुलिया के मरम्मत की मांग की, लेकिन जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन ग्रामवासियों ने चंदा एकत्र कर पुलिया मरम्मत का बीड़ा उठाया। खबर आपकी राजस्थान से, मनोज कसेरा की स्पेशल रिपोर्ट। को लेकर ये कार्य करवा रहे हो आप यहाँ पे? साहब ये समस्या ये है कि हमारे बच्चे और सब परेशान हैं। रेलवे पटरी क्रॉस करके जाते थे, इसलिए अगर जाने के लिए हमें रेल पुलिया पे जाना पड़ता था, और बीमारी हो जाए, अचानक कोई मर भी जाए, कुछ हो जाए, इसके लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। सब चंदा करके कर रहे हैं। किसकी तरफ से करवाया जा रहा है? सब चंदा कर रहे हैं। कौन से गाँव वालों ने करवा रहे हैं? यहाँ आने रास्ता काफ़ी ढमे से टूटा हुआ है, करीबन एक महीना ऊपर हो चुका है इसको, और आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कोई बीमारी हो जाती है रात को स्कूल के बच्चों को लेके, और आम पब्लिक प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अब गांव वाले लोगों ने परेशान होकर आखिरी में एक तरीका लगाया, सेल्फ खुद ही इसको करवा रहे हैं।